हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आटे के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए कढ़ाई, इसमें डाला है 2 चम्मच घी और इस घी को हम गरम करेंगे। घी गरम करने के बाद इसमें डालेंगे काजू और काजू को हम सिम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसको काजू को धीरे धीरे घुमाते रहेंगे ताकि हमारे काजू जल ना जाए। काजू फ्राई हो चुके हैं, हमने इसको घी से अलग कर लेंगे, इसलिए हमने ये सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे काजू प्लेट में निकाल लिए। अब इसमें डालेंगे हम बादाम और बादाम को भी उसी तरह से फ्राई करेंगे धीरे धीरे घुमाते हुए। ये देखिए बादाम का कलर चेंज होने लगा है और बादाम जब भुन जाते हैं बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और लड्डू में बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए इसको भूनते हैं। अब चलिए हमारे बादाम तैयार हैं, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सारे बादाम एक साइड में निकाल के रख दिए। अब इसमें डालूंगी गोंद। गोंद को हम 2 बार में डालेंगे क्योंकि ये बहुत बर्फीली हो जाता है, इसलिए इसको भूनने में दिक्कत होती है, फूल जाता है गोंद भी हमारा। इसको धीरे धीरे आग पे सेकते हुए पलट देंगे। ये देखिए हमारा गोंद भी भून चुका है, इसको निकाल लेंगे, कढ़ाई से अलग कर देंगे। इसके बाद हम इसमें जो बचा हुआ गोंद है हमारा वो भी डाल देंगे, इसको भी धीमी आग पे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और उसके बाद डालेंगे आटा। ये 1 कटोरा आटा लिया है मैंने, 1 बाउल में करीब 1 kg आटा है। और ये गोंद जो हमारा लग गया था इसको हम तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि ये पूरे लड्डू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आटे को मिक्स करेंगे। आटे को धीमी आग पे भूनते हुए हम इसको पलटते हुए धीरे धीरे से फ्राई कर लेंगे। इसे देखिए मैं इसको कर रही हूँ, आटा जितना भूनेंगे लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर आटा अच्छे से नहीं भूनता है तो लड्डू में कच्चापन रह जाता है, तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने ये आटे को अच्छे से भूना है। देखिए आटे में थोड़ी सी खुशबू आने लगी है और इसको चलाते हुए ऐसे ही सारे आटे को करीब 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। अब हमारा आटा रेडी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा और भूनना है तो आप देख लीजिए आटा जल ना जाए, बाकी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर उसमें भून आता है। अब इसमें डालेंगे हम क्रश हुए किए हुए काजू और बादाम और गोंद और 1/2 किलो चीनी पिसी हुई या बूरा, या आप खांड भी ले सकते हैं। वैसे खांड के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं बनाने में और खाने में, लेकिन मुझे खांड मिला नहीं इसलिए मैंने इसमें बूरा डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बूरे को मिलाते हुए चारों तरफ से मिक्स करेंगे। अब इसको जो डली है उनको हम अच्छे से फोड़ लेंगे क्योंकि कहीं कहीं पे ये ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर लड्डू खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए सारा एक जैसा हो जाएगा, इसलिए हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अभी लकड़ी कलची से तोड़ने में नहीं आ रहे तो इसलिए मैंने इससे हाथ से तोड़ा है। देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही टाइट है, इसलिए मैंने इसको हाथों से मसला है। ये देखो ये सारा फूट गया है। अब ये हमारा आटा तैयार है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी घी। घी को अच्छे से मैंने गरम कर लिया है, उसको गरम करने के बाद फिर इसमें डाला है, आटे में डाला है घी को। अब मैं इसको कलची से मिक्स करूँगी, आटे को मिक्स करेंगे अच्छे से, देखते हैं धीरे धीरे। अभी इसमें और भी घी पड़ेगा लेकिन पहले मिक्स करने के बाद देखूँगी लड्डू बना के, अगर हमारे लड्डू बनते हैं तो फिर इसमें घी नहीं डालेंगे और नहीं बनते हैं तो हम इसमें 1 कटोरी घी और ऐड करेंगे। आटे में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पूरा घी डाला है। घी से लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं और जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। देखिए लड्डू बनने लगे हैं हमारे, आटे को ऐसे दबा के देखिए लड्डू बनने लगे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए, मैंने देखो ऐसे बनाया है, इसको आप देख सकते हैं दबा दबा के लड्डू को गोल कर लिया है। देखिए ये लड्डू बिल्कुल तैयार है, गोल शेप का लड्डू है और ये बहुत अच्छे लड्डू लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को ये लड्डू बहुत पसंद है। देखिए हमारा लड्डू अच्छे से बन चुका है, ऐसे ही हम और भी लड्डू बनाएंगे, अपने सारे लड्डू एक साथ बना के रख लेंगे। देखिए आप लड्डू देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, अच्छे से हमारे लड्डू ये तैयार हैं। प्लीज़